Welcome back to BBVN online classes. In last video, we read about first three generation of computer. And today, fourth generation of computer, 1971 to present. These were based on microprocessor. The microprocessor is also called VLSI, Very Large Scale Integrator, or VLIC, Very Large Integrated Circuit. These were powerful, compact, affordable, portable and totally reliable. ये जो कंप्यूटर थे वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल, कॉम्पैक्ट, अफोर्डेबल, पोर्टेबल और काफ़ी ज़्यादा रिलायबल कंप्यूटर. प्रोसेसिंग स्पीड इंक्रीज वेरी फास्ट अप टू पायो सेकेंड्स. इनकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, अप टू पायो सेकेंड. पायो सेकेंड तक भी इसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है. नेक्स्ट इज बिकॉज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर पीसी, लैपटॉप एंड नोटबुक कंप्यूटर वर इन्वेंटेड. देखिए यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर इट मीन्स एक ऐसी चिप है जो काफ़ी ज़्यादा पतली है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, वो कम कवर करती है. तो स्पेस कम की रिक्वायरमेंट होने की वजह से यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि जो पीसी है, लैपटॉप है या नोटबुक है, इनको इन्वेंट किया गया. देन ये जो आपकी जो आईसी है, इसका ही एक अपन कह सकते हैं एडवांस वर्जन है, जिसको अपन ने क्या नाम दिया है, माइक्रो प्रोसेसर. की फीचर्स की बात करें तो लार्ज एंड वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट, ये काफ़ी ज़्यादा, मतलब अपन कह सकते हैं कि जो आईसी जितना काम कर सकती है, या अपन कह सकते हैं थाउजेंड्स ऑफ आईसी जितना काम कर सकती है, उतना काम कौन कर सकती है, वीएलआईसी कर सकती है या वीएलएसआई कर सकती है. माइक्रो कंप्यूटर सीरीज सच एज आईबीएम एंड एप्पल डेवलप्ड. जो आपके माइक्रो कंप्यूटर इनकी सीरीज जो आईबीएम है या एप्पल में जो डेवलप हुई है, तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे जो आपके कंप्यूटर है जिनको आईबीएम और एप्पल ने डेवलप किया है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर. नेक्स्ट इज पोर्टेबल कंप्यूटर डेवलप. काफ़ी ज़्यादा छोटे कंप्यूटर हैं, पोर्टेबल कंप्यूटर हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से ले जा सकते हैं, ऐसे कंप्यूटर भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गए. ग्रेट कंप्यूटर डेवलप्ड, बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर हैं जैसे अपन कह सकते हैं सुपर कंप्यूटर है, या बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक रिसर्च कंप्यूटर है जो इस जनरेशन के अंदर डेवलप किए गए हैं. ग्रेट डेवलपमेंट इन डेटा कम्युनिकेशन. डेटा कम्युनिकेशन के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है कंप्यूटर के अंदर, जस्ट लाइक सर्वर कंप्यूटर है, या अपन कह सकते हैं बहुत सारे ऐसे पावरफुल सर्वर कंप्यूटर बने हैं जिसमें जो डेटा है वो मेंटेन किया जाता है. अगर अपन रिमार्क्स की बात करें तो कंप्यूटर कॉस्ट कम डाउन सो रैपिडली दैट दीज फाउंड प्लेस इन मोस्ट ऑफिसेज इन होम्स. इसकी जो कॉस्ट है काफ़ी ज़्यादा कम होने की वजह से हर घर पर, या अपन कह सकते हैं ऑफिस के अंदर आपके कंप्यूटर है, वो आज मिल सकते हैं. स्मॉलर एंड फास्टर, काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है, छोटे हैं और फास्ट भी काफ़ी ज़्यादा है. मोर स्पीड, रिलेबिलिटी एंड स्टोरेज कैपेसिटी. आज अगर अपन बात करें तो स्टोरेज कैपेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है, या अपन कह सकते हैं कि रिलेबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, आपके कंप्यूटर काफ़ी ज़्यादा विश्वसनीय है, स्पीड काफ़ी ज़्यादा फास्ट है. पर्सनल सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री भी बूम्ड. अगर आज अपन बात करें तो जो सॉफ्टवेयर जो इंडस्ट्री है वो भी काफ़ी ज़्यादा बूम कर रही है. किस वजह से? क्योंकि आपके कंप्यूटर है, नए कंप्यूटर हैं वो आपके डेवलप हो रहे हैं, जो काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ काम करते हैं. इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की बात करें तो कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, वॉइस इनपुट है, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, ये सारी जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है जो आज के कंप्यूटर के साथ काम करती है. मेमोरी की बात करें तो मेमोरी चिप आजकल के कंप्यूटर में काम में ली जाती है. स्टोरेज डिवाइसेस की बात करें तो अपन कह सकते हैं हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी, सीडी, डीवीडी, फ्लैश मेमोरी लाइक पेन ड्राइव और ब्लू रे डिस्क, या अपन कह सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, कि आप इंटरनेट के ऊपर भी डेटा है वो स्टोर कर सकते हैं. एंड मेजर कंप्यूटर्स में क्या, अगर हम बात करें तो पेंटियम जो सीरीज़ है उसके कंप्यूटर है, एएमडी प्रोसेसर है, एप्पल के बहुत सारे कंप्यूटर हैं, मैकिंटोस है, आईबीएम है, डेल है, एट्सेट्रा. तो ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर भी आपके जो है वो बने हैं किसके अंदर, फोर्थ जनरेशन के अंदर. नेक्स्ट है फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. अगर फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की बात करें तो ये टोटली एआई पे जो बेस्ड है, इट मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे. दिस जनरेशन इज स्टिल इन डेवलपमेंट स्टेज, ये डेवलपमेंट स्टेज के अंदर है. दिस कंप्यूटर विल बी इंटेलिजेंट एंड नॉलेज बेस्ड ड्यू टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. एक ऐसी इंटेलिजेंस जो आर्टिफिशियल है, जो कंप्यूटर में डाली जा रही है, तो इस वजह से कंप्यूटर क्या हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो रहे हैं और नॉलेज बेस्ड हो रहे हैं. इंस्टेंट ऑफ यूजिंग हाई लेवल लैंग्वेज, नेचुरल लैंग्वेज विल बी यूज फॉर गिविंग इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर.
कि हाई लेवल की बजाय इसमें नेचुरल लैंग्वेजेस का यूज किया जाता है कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए, मेकिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम, कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने के लिए भी. दीज कंप्यूटर वुड बी मोर यूजर फ्रेंडली देन एनी अदर प्रीवियस जनरेशन. जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर, वो काफ़ी ज़्यादा यूजर फ्रेंडली है, काफ़ी ज़्यादा आसान है काम करने के लिए. की फीचर्स की बात करें तो पैरेलल प्रोसेसिंग, मैनी प्रोसेसर आर ग्रुप टू फंक्शन एज वन लार्ज ग्रुप प्रोसेसर, बहुत सारे प्रोसेसर एक साथ काम करते हैं इसके अंदर, या पैरेलली अपन कह सकते हैं काम करते हैं. सुपर कंडक्टर, ए सुपर कंडक्टर इज ए कंडक्टर थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन ट्रेवल विदाउट एनी रेजिडेंट, रिजल्टिंग इन फास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन ए कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर. कि अपन कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल है वो भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गए हैं विदाउट किसी वायर के, अपन कह सकते हैं. अगर अपन रिमार्क्स की बात करें तो अपन कह सकते हैं इंटेलिजेंट सिस्टम दैट कुड कंट्रोल द रूट ऑफ ए मिसाइल एंड डिफेंस सिस्टम दैट कुड फेंड ऑफ अटैक. कि यहाँ पे बहुत सारे इंटेलिजेंट सिस्टम है वो आपके फिफ्थ जनरेशन के अंदर जो काम में लिए जाते हैं, जिससे अपन कह सकते हैं ये डिफेंस के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा काम में आते हैं. एंड वर्ड प्रोसेसर दैट कुड बी कंट्रोल बाय मीन्स ऑफ स्पीच रिकॉग्निशन. जो स्पीच रिकॉग्निशन है इसका भी काफ़ी ज़्यादा काम में लिया जा सकता है. इट मीन्स आपको इंस्ट्रक्शन है वो आपको टाइपिंग करने की जरूरत नहीं होगी, या अपन कह सकते हैं कीबोर्ड की यूज़ नहीं होगी, आप स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम का भी यूज़ सीधे कर सकते हो. प्रोग्राम दैट कुड ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज के अंदर भी आपके डॉक्यूमेंट है वो ट्रांसलेट हो सकते हैं. इनपुट आउटपुट डिवाइस की बात करें तो जो फोर्थ जनरेशन के अंदर है वही सारे इनपुट डिवाइसेज है, कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक, वॉइस इनपुट, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, ये सारे इनपुट डिवाइसेज और आउटपुट डिवाइसेज का यूज किया जाता है. मेमोरी अगर अपन बात करें तो वही मेमोरी चिप इसमें काम में ली जाती है. स्टोरेज डिवाइस जो आपके फोर्थ जनरेशन के अंदर थी वही स्टोरेज डिवाइस है, हार्ड डिस्क है, सी डी डी वी डी, फ्लैश मेमोरी, ब्लू रे डिस्क, क्लाउड कंप्यूटिंग. और मेजर कंप्यूटर्स की बात करें तो मैनी रोबोट्स हैं या रोबोटिक डिवाइसेज हैं जिनका यूज, जिनको बनाया गया है फिफ्थ जनरेशन के अंदर, और काफ़ी ज़्यादा वर्क इन प्रोग्रेस भी है, या अपन कह सकते हैं डेवलप हो रही है. तो ये थी अपनी टोटल फाइव जनरेशन ऑफ कंप्यूटर.